देश की राजधानी दिल्ली में आए दिन लूटपाट की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के मंडावली इलाके में एक ज्वेलर पर लूट के इरादे से आए शख्स ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया है और उसे बुरी तरह घायल कर दिया है। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देखिए पहले किस तरीके से दो शख्स दुकान के अंदर आते हैं और फिर बातचीत शुरू कर देते हैं। बातचीत के बाद एक शख्स जिसने काले कलर की जैकेट पहनी होती है वो धीरे धीरे दुकान मालिक के टेबल की तरफ आता नजर आ रहा है और उसके बाद बातचीत के दौरान हमला शुरू कर देता है जिसमें उसके हाथ में लोहे की रॉड भी नजर आ रही है, जिसके बाद ज्वेलर बुरी तरह घायल हो जाता है। हालांकि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा।